बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रुड़की कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा पब्लिक रास्ते में किए गए अतिक्रमण याचिका पर सुनवाई करते हुए कैंटोनमेंट बोर्ड और ग्राम प्रधान को नोटिस जारी कर दिया है। 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद की तारीख तय करी गई है। रुड़की निवासी धीरज कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा था, कैंटोनमेंट बोर्ड ने 3 गांवों को जोड़ने वाले रास्ते पर अतिक्रमण कर आमजन के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने पब्लिक रास्ते को आमजन के लिए खोलने की मांग करी है, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा आम जनता का रास्ता रुड़की कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा रोका गया था, जिस संदर्भ में ये जनहित याचिका दायर की गई थी। ये जनहित याचिका में आज कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आदेश पारित किया है कि इसमें कैंटोनमेंट बोर्ड जवाब देगी। साथ में उनको ये भी बोला गया है कि वो ये बताए कोर्ट में कि उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया था या नहीं किया था। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा भी संज्ञान लिया गया था इस समस्या का, और एक 2018 में एक आदेश पारित किया गया था कि जो भी आदमी द्वारा रुकावट की जा रही है आम जनता के रास्ते में, वो तुरंत प्रभाव से हटाई जाए।